उत्तरी दिल्ली के बारा हिंदुराव इलाके में 8 जुलाई की रात गोलियों की बौछार में हुई दो बेकसूरों की मौत। आपको बता दें कि बारा हिंदुराव इलाके में स्थित क्लिनिक पर देर शाम एक युवक कोविड 19 की वैक्सीन के बारे में पूछने आया। वहां मौजूद मोहम्मद मीर नाम के व्यक्ति ने उस युवक को बताया कि यहाँ कोविड 19 वैक्सीन नहीं लगती, जिसके बाद वह युवक वहां से चला गया। कुछ समय बाद जैसे ही मोहम्मद मीर क्लिनिक से बाहर निकला, वैसे ही उस शख्स समेत अन्य बदमाश गोलियां चलाने लगे, जिस दौरान हादसे में मोहम्मद मीर तो बच गया लेकिन दो बेकसूरों की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा बेकसूरों की हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में गुरुवार को बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। हमलावरों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में दो राहगीरों को गोली लग गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में दो और लोग घायल हुए हैं। घटना रात गुरुवार करीब 9:21 बजे से 9:45 बजे के बीच की है। पुलिस ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोलीबारी की घटना की सूचना है। अभी गोलीबारी करने वाले बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कम से कम 20 से 25 राउंड फायरिंग की। घटना पर मौजूद लोगों का कहना है कि हमलावर एक ग्रुप में आए थे और उनके पास कई हथियार थे। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि 4 से 5 बदमाश प्लानिंग के तहत एक शख्स पर हमला करने आए थे। फायरिंग करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम दिल्ली, अप टू डेट न्यूज़।